हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरी मिस्टर डिज़ाइनर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती की डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग शो करूँगी, जो बहुत ही प्रीटी लगेगी। और इसमें बीच में हमें डोरी देना है और मटेरियल लगेगा 2 से सवा 2 मीटर, 2 से भी कम मीटर में आप बना सकते हो। मैंने ये 1.5 मीटर के लगभग इसमें बनाया है, आप 2.25 या 2 मीटर जितना ले सकते हैं। तो फैब्रिक को हमें फ़ोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करके रखने के बाद फोल्ड साइड पे हमें लेंथ कुर्ते की लंबाई प्लस 1 इंच की मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले हम पीछे का भाग काटेंगे, बैक पार्ट। फिर हमें कुर्ते की लेंथ की मार्किंग पर शोल्डर का मार्क कर लेना है। फिर हमें आर्म होल की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच पहले लिया, फिर सेम हमें आर्म होल की लेंथ मार्क कर लेना है। फिर आर्म होल की लेंथ की मार्क से हमें छाती का चौथा भाग प्लस 2 इंच पर निशान लगाना है। फिर हमें इस तरह आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। फिर हम सीधा फ्लेयर में इसे चेस्ट की मार्किंग को हम सीधा फ्लेयर में मिलाएंगे। तो इस तरह से हमें चेस्ट की मार्किंग को सीधा नीचे मिला लेना है क्रॉस में। जितना हमें घेर चाहिए उतना रख सकते हैं। फिर नीचे से गोलाई दे देनी है थोड़ी सी। फिर हमें इस तरह से 3.25 इंच पर निशान लगा लेना है और 1/2 इंच जो हमें 1 इंच जो हमें शोल्डर गिराना है, यहाँ से हम पीछे के नेक की मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच पर। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम जो खुले वाले साइड का फैब्रिक है उस तरह मुंह करके हम बैक वाला पार्ट रख देंगे और बीच में से हमें 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। 1.5 इंच जितना हम कपड़ा छोड़ देंगे कानी के साइड से और बैक का पार्ट रख देंगे। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सेंटर से, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह हमें एडजस्ट कर लेना है शोल्डर के अंदर शोल्डर, ताकि हमारा फैब्रिक कम लगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि आगे ओपन वाला हम रखेंगे कट वाला। फिर हम कट कर लेंगे एज इट इज़। फिर हम ऊपर वाला भाग हटा के नीचे वाले भाग में नेक और फ्रंट आर्म होल काट लेंगे इस तरह से। ये वाली क्लिप मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हमें फ्रंट नेक और आर्म होल को थोड़ा अंदर से काट लेना है। तो फ्रंट और बैक के पार्ट की कटिंग हो गई, अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कट करने के लिए इस तरह हमें 4 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक। फिर फोल्डिंग वाले साइड पर हम स्लीव की लेंथ रखेंगे। स्लीव की लेंथ रखने के बाद हमें ऊपर से इस तरफ भी स्लीव की लेंथ रख लेंगे। फिर यहाँ से हमें 4 से 4.5 इंच नीचे गिराना है चेस्ट के हिसाब से। फिर हमें इस तरह क्रॉस पे लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी है। 2 इंच हमें छोड़ देना है सिलाई के लिए। यहाँ पर आप अपनी कुर्ती का आर्म होल माप के जितना आता है उतना आप रख सकते हो, यानी कि टोटल मैंने 11 इंच लिया है। फिर यहाँ से स्लीव होल प्लस 2 इंचेस की मार्किंग कर ली।
फिर हम इस तरह से स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव को ओपन करके फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह स्मॉल कट देना है, स्लीव में पैटर्न रखनी है। तो स्लीव के नीचे वाले कट वाले पैटर्न को फिनिश करने के लिए इस तरह से पट्टी काट लेंगे हम। तो अब हमें स्लीव का फ्रंट काटना है आर्म होल में से। इसके बाद स्लीव के आगे वाले कट को हम इस तरह फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गला बना लिया है और स्लीव भी अटैच कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें से 1 इंच मोड़ा है और गले को क्रॉस पट्टी से बना लिया है। तो मेन इसमें कटिंग थी, सिलाई में कुछ नहीं है। यहाँ पर हम इस तरह ये पट्टी को हमें कमर में ज्वाइन करना है डोरी लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, फिर इस पट्टी को हमें ऊपर जॉइंट करना है ऊपर साइड पे, इस तरह मोड़ के दोनों साइड से। तो हम पहले कमर पर निशान बना लेंगे जहाँ पर हमें पट्टी चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं मैंने निशान ड्रॉ कर लिया। अब जो हमें इस तरह दोनों साइड से मोड़ के आगे और पीछे दूसरे साइड तक हमें ये पट्टी को लगाना है इस तरह। एक साइड मैंने जोड़ लिया, दूसरे साइड भी स्टिच कर लिया। तो पूरा आगे और पीछे मैंने एक ही साथ ये पट्टी लगाई है। अब हम इस पट्टी के अंदर नाड़ा सिल की रेडी रखेंगे, नाड़े जैसी डोरी, और इसके पट्टी के अंदर डालेंगे।